एक भारत, श्रेष्ठ भारत, वैश्विक मंच पर भारत को बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, भारत का विरासत हो या भारत का व्यक्ति, दोनों का सम्मान बढ़ा है। योग वैश्विक मंच पर छा गया। चीन जैसा देश आज के दिन पर उनके यहां सबसे ज्यादा योग की क्लासें लग रही है, योग के पीछे भाग रहा है। आयुष दुनिया के अंदर छा गया, आयुर्वेद के पीछे लोग भाग रहे हैं। भारत वैश्विक मंच पर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहा है जिसकी आज से 9 वर्ष पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत का जो नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं भी रहता है, आज दुनिया के अंदर जब वह व्यक्ति जाता है तो उसको सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। और नहीं तो 9 वर्ष पहले हमारे केंद्रीय मंत्री पुरी जी स्वयं भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे, कई देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। देश के राजनयिक संबंधों को और कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। पहले लोग सुबह उठते थे तो उनके लिए समाचार पत्र चाहिए होता था, बाद में लोगों ने टेलीविजन देखना शुरू किया। अब लोग अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके अपने तैयार हुए, अपना सामान्य कारोबार देखा, काम धाम देखा और फिर अपने काम पे निकल गए। उनको जो भी देखना है, न्यूज़पेपर देखना हो या फिर कोई चैनल देखना हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही उनको बहुत कुछ मटेरियल न्यूज के मिल जाते हैं। यानी स्मार्टफोन यहां आज एक बेहतरीन माध्यम हो चुका है समाचार के आदान प्रदान का भी। डिजिटल मीडिया का प्रचार भी उतनी तेजी के साथ हुआ है, सोशल मीडिया का भी। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और किस रूप में करना है, याद रखना जो मीडिया के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं वही टिक पाएगा जो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रख पाएगा। जिसकी विश्वसनीयता होगी वही टिकेगा, बाकी तो एक समय के बाद सब अपने आप गायब हो जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आपसे कहूंगा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। दुनिया भर से जुड़े हुए तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपना जो सम्मान का भाव व्यक्त किया है, हम सब भारतवासी उससे गौरवान्वित हैं। लेकिन इन घटनाओं को केवल अवलोकन नहीं करना, उसका केवल आनंद ही नहीं लेना, बल्कि मीडिया ने तो इन घटनाओं को बहुत, प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं ये हम पर निर्भर करेगा। और उस घटना को उस रूप में प्रस्तुतीकरण, देखिए मीडिया का स्वरूप बदला है। मुझे याद है जब हम लोग राजनीति में शुरू शुरू में आए थे, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और प्रिंट मीडिया ही सब कुछ तय करता था। प्रिंट मीडिया के बाद हमने देखा आज से लगभग 20 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने लग गया, लेकिन कम संख्या थी। उसके बाद धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती गई और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया, ये दोनों तेजी के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनका व्यापक पैमाने पे प्रचार हुआ है।